हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे आप अपने Redmi 5A डिवाइस में MIUI 11 को इंस्टॉल कर सकते हो। तो यार, मैंने इसका फुल रिव्यू बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो इधर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो यार, मैंने MIUI 11 जैसे ही अपने Redmi 5A में इंस्टॉल किया तो बहुत से लोग बोलने लगे कि इसका डाउनलोड लिंक दो, कैसे इंस्टॉल करना है ये भी बताओ। तो ये आप देखिए, तो ये है मेरा Redmi 5A और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi 5A डिवाइस में MIUI 11 को इंस्टॉल कर सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आप किसी भी Xiaomi के डिवाइस में इसको इंस्टॉल कर सकते हो। बस आपको जरूरत क्या पड़ेगी, विंडर की जो भी जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच करना। MIUI 11 से रिलेटेड और भी वीडियोज चाहिए तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं भाई, टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाकर ज्वाइन कर लो क्योंकि सबसे पहला इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर देखने को मिलती है। तो चलिए यार, बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई, यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई आपको कौन कौन सी फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये चार फाइल से ही आपको चार फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। ये भाई यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन फिक्स, यहाँ पर लोज विंडर, और यहाँ पर आ जाते हो परमिशन V5, और यहाँ पर MIUI 11 का जो GSI रोम है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से यह फाइल आपको देखने मिलेगी। ये वाला ब्लैक स्क्रीन और यहाँ पर लोज 16 विंडर वाला, ये दोनों आपको एक ही जिप में मिलेगा। इनको अनजिप करना है तो आपको यहाँ पर तीन चार फाइल देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको लोज वाला और यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन इन दोनों को अलग निकाल लेना है। और इसका लिंक आपको अलग देखने को मिलेगा परमिशन V5 का, तो आपको इसको भी डाउनलोड कर लेना है। और ये वाला जो फाइल है MIUI 11 का, ये आपको जीपी में मिलेगा, तो इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, जिसमें कि ये इमेज में आ जाएगा। जीपी में होगा तो इमेज में आ जाएगा, बाकी सबके सब जीपी में रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जीप लिखा, जीप सबके सब जीपी में रहेंगे। तो यार ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पर सबके सब जीपी में रहेंगे। और यहाँ पर आपको MIUI 11 का ये जो ये भी जीपी में रहेगा, लेकिन इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना, बाकी सबको जीपी में रहने देना है। तो यहाँ पर यार अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि यार मैंने कुछ करा हुआ था, लेकिन मैं आपको सही तरह से बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपका डिवाइस है इसको भाई रिकवरी मोड में ले जाना है। बट TDP रिकवरी अगर आपके Redmi 5A में इंस्टॉल नहीं है, कैसे इंस्टॉल करना है इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले ही बनाए हुए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां से देख सकते हो कि कैसे आप अपने Redmi 5A डिवाइस में TDP रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं भाई, आपके फ़ोन में ऑरेंज 4 रिकवरी ही इंस्टॉल होना चाहिए, अदरवाइज कोई दूसरा TDP रिकवरी होगा तो भाई उससे ये इंस्टॉल नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट के नहीं होता है, यानी कि ट्रेवल के नहीं ऑरेंज 4 रिकवरी को बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सही तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब तो सिंपली अब आपको करना क्या है, सबसे पहले वाइप में जाना है, यहाँ पर आपको फॉर्मेट में जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्मेट कर देना, जो भी आपकी सारी फाइल जितनी भी आप डाउनलोड करोगे सारे के सारे भाई आपको यहाँ पर डाउनलोड करके रखने SD कार्ड में। जैसे यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा सिंपली फिर दोबारा वाइप में जाना है। सॉरी, यहाँ पर आपको वाइप में आप जैसे जाओगे यहाँ पर आपको एडवांस वाइप में जाना है, सबको सेलेक्ट कर लेना, इंटरनल स्टोरेज को भी, और यहाँ पर सबको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर माइक्रो SD और OTG को छोड़ देना, इंटरनल स्टोरेज तो भाई आप जैसे फॉर्मेट करोगे तो भी डिलीट हो जाएगा, सिंपली स्वाइप टू वाइप कर देना। तो यहाँ पर सारा का जो भी सब कुछ आपका वाइप हो जाएगा। वाइप होने के बाद सिंपली आपको होम पे क्लिक करना, स्टॉल पे क्लिक करना, स्टॉल पे क्लिक कर स्टोरेज सेलेक्ट करना, माइक्रो SD ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो वही सारी की सारी फाइल आपको देखने को मिलेगी, लेकिन एक फाइल नहीं देखने को मिल रही है, तो वो मैं आपको बता दूँ। स्टॉल इमेज पे आप क्लिक करोगे तो MIUI 11 वाली फाइल आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको लॉस विंडर लिखा सिंपली इस पर क्लिक करना है, Redmi 5A वाले को सिंपली इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लेगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपली इसको होने देना, उसके बाद मैं आपको बता दूँ आपको करना क्या। आप देख सकते हो सही सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है। तो सिंपली अब आपको करना क्या, होम पे जाना, फिर स्टॉल पे क्लिक करना, स्टॉल पे क्लिक करने के बाद फिर इमेज पे क्लिक करना है, इमेज में आपका MIUI 11 इमेज आ जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिस्टम पे क्लिक करना, स्वाइप टू इंस्टॉल इमेज पे क्लिक कर देना, तो ये भी इंस्टॉलिंग हो जाएगा। इसमें आपको 3 से 4 मिनट ले लेगा, तो आपको अपने डिवाइस को छोड़ देना जब तक सक्सेसफुल का ऑप्शन ना आ जाए, आपका डिवाइस बंद भी हो जाएगा, उसके बाद जो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। तो भाई आपको कुछ भी नहीं करना, जब भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो करना है, तो आपको सिंपली 2 से 3 मिनट तक छोड़ देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो इमेज फाइल था वो भी फ्लैश हो चुका है। तो सिंपली अब आपको करना क्या, होम पे क्लिक करना है, यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो आपके यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक फाइल दिया था, यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन फिक्स वाला, सिंपली आपको इस पर टैप करना और इसको भी इंस्टॉल कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, सिंपली बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपली आपको होम पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको माउंट में जाना, माउंट में जाने के बाद आपको यहाँ पर विंडर और सिस्टम पर क्लिक कर देना, विंडर और माउंट कर देना, फिर होम पर चले जाना, फिर इंस्टॉल पर क्लिक करना, लास्ट वाला जो
फाइल था परमिशन V5, इस पर क्लिक करने के बाद स्वाइप टू इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ये भी मुश्किल से 30 सेकंड ले लेगा। यहाँ पर आपको एक एरर दिखाई देगा, उसको इग्नोर कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला एरर वगैरह से। तो आपको जो भी एरर दिखाई दे उसको इग्नोर कर देना। जो जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल वही करना है, कुछ अलग फालतू कुछ भी नहीं करना है। पता लगे आप कुछ और करने लग जाओ, कुछ और करोगे तो भाई इंस्टॉल नहीं होगा, बूट नहीं होगा, फिर बाद में बोलोगे भाई हमारा बूट नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर फेल्ड कुछ लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन इसको छोड़ना, हमारे यहाँ पर सक्सेस आना चाहिए। अगर यहाँ पर फेल्ड आता है तो इसका मतलब कि जो आपने फाइल की डाउनलोड वो आपका करप्ट हो चुका है, आपको दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो यहाँ पर फेल्ड टू माउंट जो भी आपको वो छोड़ देना, सिंपली आपको रिबूट पर टैप कर देना है। तो हमारा जो MIUI 11 है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है हमारे Redmi 5A डिवाइस में। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो MI का लोगो आया, यहाँ पर MI मिक्स लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मिक्स का लोगो आएगा तुरंत आपको, तो इसका मतलब कि हमारा जो रोम है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी MI का लोगो आ रहा है, तो एक मिनट यहाँ पर बस आपको थोड़ा सा वेट करना है, फिर इसके बाद आपको मिक्स का लोगो दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर बस आपको 2 से 3 मिनट वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो मिक्स का लोगो आ चुका है, यहाँ पर मिक्स आ चुका है, यहाँ पर बूट एनिमेशन आप देख सकते हो ये भी आ चुका है, बूटिंग हो रहा है। तो यानी कि जो हमारे सक्सेसफुली MIUI 11 इंस्टॉल हो चुका है। जैसे कि आपको बताऊंगा अगर आपने फुल रिव्यू देखा होगा तो MI मिक्स 2 का ये रोम था, तो वही हमने सिंपली अपने Redmi 5A में इंस्टॉल किया, तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको मैं बूट होने देता हूँ, क्योंकि आपको एक दो काम और करने, क्या करने वो मैं आपको बता दूंगा। इसको बूट होने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आप देख सकते हो डिस्प्ले भी आपका थोड़ा सा यहाँ पर डिम हो चुका है, इसका मतलब कि सही तरह से फ्लैश हो चुका है। तो आपको वेट करना 2 से 3 मिनट या 5 से 10 मिनट जितना भी, जब तक ये चालू ना, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आपको करना क्या। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा MIUI 11 है बूट हो चुका है, तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहीं पर आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी है। जैसे आप सेटिंग में जाओगे तो आपको चाइनीज में लिखा हुआ आएगा, सबसे पहले आपको इसको इंग्लिश करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सिंपल आपको करना क्या। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे आप स्क्रॉल करोगे सेटिंग के नीचे 3 डॉट्स आएंगे, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सेकंड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर दोबारा सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, फिर यहाँ पर आपको इंग्लिश आएगा, इंग्लिश पर सेलेक्ट कर देना, अभी आपका सही हो चुका है। और यहाँ पर रहे डिस्प्ले की साइज़ की बात, तो सिंपली इसको करना क्या, यहाँ पर आपको माई डिवाइस में जाना है। माई डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पर ऑल स्पेक्स में चले जाना है, यहाँ पर आपको MIUI वर्जन देखने मिलेगा, इस पर सिंपली टैप करना है, जिसका आपका डेवलपर वर्जन जो वो ओपन हो जाएगा, यानी सॉरी डेवलपर ऑप्शन। सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करना है, फिर एडिशनल सेटिंग में जाना, एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें जाने के बाद सिंपली आपको स्क्रॉल करना है नीचे नीचे, यहाँ पर एनिमेशन जहाँ पर आता है उसके नीचे आपको भाई यहाँ पर दिखाया जाएगा, क्या दिखा जाएगा वो भूल गया, यहाँ पर आपका स्मॉल विजिट्स दिखाया जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जितना चाहो उतना कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ 450 आप कर दोगे तो आपका नॉर्मल हो जाएगा जिस तरह आपका आता है। आप देख सकते हो आपका जो डिस्प्ले साइज है वो सही तरह से हो चुका है। आपको यहाँ पर नेविगेशन बार भी देखने को मिलेगा, अगर आपको इसको यूज़ करना तो यूज़ कर सकते हो, वरना यहाँ पर फुल स्क्रीन डिस्प्ले आपको देखने मिलेगा। सिंपली आप इसको लगा सकते हो फुल स्क्रीन डिस्प्ले को, यहाँ पर फुल स्क्रीन डिस्प्ले भी सही तरह से वर्क करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यही था कि आपको इस तरह से MIUI 11 आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने Redmi 5A डिवाइस में। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से वर्किंग करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो आई होप अभी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको अपने Redmi 5A डिवाइस में MIUI 11 को इंस्टॉल करना है। अगर आपको पता चल गया तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। और मैंने आपको पहले बता दिया था भाई ये एक ऑफिशियल रोम नहीं है, एक ये GSI है जिसमें कि आपको बग्स वगैरह देखने को मिलेंगे, फिर भी आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि MIUI 11 में कैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।